अस्सलाम वालेकुम। आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप इंस्टेंटली और बहुत ही आराम से घर पर सूखा खोपरा कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने खोपरे को उसकी खोपड़ी से निकाल लिया है, मतलब कि उसका जो बाहर का शेल आता है उससे मैंने निकाल लिया है तोड़कर। और अब जो इसकी ब्राउन कलर की ऊपर की खाल आती है वो सारी आपने पील कर लेनी है और इस तरह से वाइट दिखेगा पूरा खोपरा। अब इस खोपरे को हम छोटी छोटी स्लाइसेस में काट लेंगे कुछ इस तरह से। अब इन कटे हुए छोटे छोटे टुकड़ों को हम ट्रांसफ़र करेंगे छोटे वाले मिक्सी के जार में और अच्छे से पीस लेंगे। इतने अच्छे से पीस लेना है कि पीसने के बाद आपने इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब फ्लेम को जितना लो कर सकते हो उतना लो पर आपने कर देना है, जितना लो हो सकता है कर दे। और मैंने यहाँ पर एक रख दिया है एक पैन और सारा का सारा खोपरा जो मिक्सी जार में था वो ट्रांसफ़र कर दिया है इस पैन में। अब 8 से 10 मिनट के लिए कॉन्स्टेंटली आपने चम्मच चलाते रहना है। खोपरे की टेंडेंसी रहती है कि ये बहुत जल्दी जल जाता है, तो आप किसी भी स्टेज पर फ्लेम को मीडियम या हाई करने की कोशिश ना करें। आप इसे लो फ्लेम पर ही इस तरह से बस चम्मच चलाते हुए सारा मॉइस्चर इसका ख़त्म कर देना है, खोपरे का सारा गीलापन ख़त्म कर देना है। 8 से 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये देखें कितना बढ़िया खोपरा हो चुका है, एकदम सूखा, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है अब इसमें। तो इस तरह से बढ़िया आराम से 8 से 10 मिनट में ही आप सूखा खोपरा रेडी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक करें और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।